दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सौरव गांगुली ने दिया बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, सौरव गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष पद के कार्यकाल के समाप्त होते ही इस बड़े दिग्गज क्रिकेटर को बीसीसीआई अध्यक्ष बनाने को लेकर भारतीय दिग्गजों ने रखी मांग। तो वहीं भारतीय दिग्गजों ने अपने बयान में इस दिग्गज खिलाड़ी के अध्यक्ष पद बनने को लेकर कुछ ऐसी बातें कह डाली जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरकार भारतीय दिग्गजों ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर क्या बड़ा बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर में से कौन है भारतीय क्रिकेट का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का चुनाव जल्द होने वाला है। दरअसल 18 अक्टूबर को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त हो जाएगा। ऐसे में सौरव गांगुली का कार्यकाल जल्दी समाप्त होने वाला है। इसके अलावा अध्यक्ष पद के साथ चार बड़े पदों पर भी चुनाव होने हैं। अब चुनाव होते ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष मिल जाएगा। ऐसे में सौरव गांगुली की जगह रोजर बिन्नी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन एक नया नाम इस समय निकल कर आ रहा है, जहां महेंद्र सिंह धोनी को भी बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाने की बातें चल रही हैं। और इन्हीं बातों को देखते हुए कई दिग्गजों ने धोनी को अध्यक्ष बनाने को लेकर मांग की है, जिसमें कपिल देव ने बयान देते हुए कहा है कि बीसीसीआई अध्यक्ष पद का चुनाव जल्द होने वाला है। इस चुनाव के लिए कई दावेदार हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि महेंद्र सिंह धोनी को बीसीसीआई अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उनसे ज्यादा होनहार क्रिकेटर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। धोनी क्योंकि दुनिया के पहले ऐसे कप्तान है जिन्होंने तीनों आईसीसी की ट्रॉफी जीती और भारत को अपने समय पर तीनों फॉर्मेट में नंबर वन भारतीय पोजीशन पर रखा है। और ऐसे में अगर वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाएंगे तो भारतीय क्रिकेट की दशा बदल जाएगी और भारतीय क्रिकेटरों को काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को अगर विश्व विजेता बनना है तो ऊपर टीम मैनेजमेंट में काफी ज्यादा बड़े बदलाव करने होंगे। मेरे हिसाब से आज तक के इतिहास में सौरव गांगुली से बेहतर अध्यक्ष बीसीसीआई का कोई भी नहीं रहा है। इस समय सौरव गांगुली का अध्यक्ष पद का कार्यकाल जल्द समाप्त होने वाला है। ऐसे में उनकी जगह एक ऐसे व्यक्ति को बैठना चाहिए जो भारतीय क्रिकेट की पूरी क्षमता को ही बदल दे। और ऐसा खिलाड़ी पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के पास एक अलग ही आत्मविश्वास और खिलाड़ियों को परखने की क्षमता है जो आज तक के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के लिए सक्षम नहीं है। ऐसे में मेरा मानना है कि धोनी को बीसीसीआई अध्यक्ष पद दे देना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर ने भी बयान देते हुए कहा है कि अगर भारतीय क्रिकेट को अलग ही ऊंचाइयों पर ले जाना है तो महेंद्र सिंह धोनी को अध्यक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर दुनिया का कोई भी क्रिकेटर नहीं है। और इसके अलावा बीसीसीआई ने कुछ गलतियां पिछले कुछ समय से की हैं, ऐसे में उन गलतियों को सुधारना है तो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी को ही अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने आगे बयान देते हुए कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी खिलाड़ियों को बड़ी ही बारीकी से समझते हैं और उनके प्रदर्शन को भली भांति जानते हैं। ऐसे में उनका टीम में होना बेहद ही जरूरी है और अगर टीम मैनेजमेंट में बैठेंगे तो सिलेक्शन भी काफी शानदार रहेगा। ऐसे में धोनी ही अध्यक्ष बनने चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी को बीसीसीआई अध्यक्ष बना देना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।